हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ, एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे आज का ये वीडियो। व्लॉग मैं शुरू की हूँ मॉर्निंग से ही। अभी उठे हम लोग और चाय मम्मा बना रही है, और एक तरफ मैं देवांश के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ क्योंकि स्कूल है उसका। एंड आज लास्ट डे है मम्मा पापा के साथ। फुल डे का मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्या हम लोग किए क्या नहीं। एंड मॉर्निंग को, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को फ्लाइट है, अराउंड 7:30 हम लोग घर से निकल जाएंगे। फ्राइडे का लंच है, मैं बना रही हूँ चीज़ डोसा, उसके साथ हल्का बहुत कुछ स्नैक्स बॉक्स में पैक कर रही हूँ। फ्राइडे आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नेक्स्ट 2 डेज़ का ब्रेक है स्नैक्स बॉक्स और लंच बॉक्स पैक करने से। वैसे मम्मा मुझे बहुत हेल्प करती है मॉर्निंग को, जिस दिन कभी मैं उठ नहीं पाती तो मम्मा डेफिनेटली पैक कर देती है। रात को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या पैक करना है। मॉर्निंग का टाइम है आर्यंस का। अभी मॉर्निंग का जो उसका फर्स्ट ब्रेकफास्ट होता है, मम्मा हेल्प करती है मुझे उसको खिलाने के लिए। एंड आई एम गोइंग टू मिस दिस क्योंकि मम्मा जाने वाली है। कब से लग रहा है कि मम्मा जाने वाली है। एंड फाइनली द लास्ट डे टुडे। आज मैं बना रही हूँ, मम्मा को अच्छा लगता है मेरे हाथ से जो है राजमा, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये रेसिपी। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा ऑयल लिए हैं, उसमें हम लोग जीरा ऐड करेंगे, तेज़पत्ता, एक बड़ा सा लॉन्ग स्टिक, मैं सिनेमन स्टिक ऐड की हूँ, उसमें हम लोग चॉप्ड ऑनियन ऐड करेंगे। और राजमा का जो है स्पेशलिटी, उन्होंने आप लोग अगर बना रहे हैं, हम लोग नहीं खाते थे बचपन से, कभी नहीं खाए हैं, अगर आप लोग राजमा बना रहे हैं तो जो ऑनियन है उसको बहुत अच्छे से कट करने से ना उसका जो ग्रेवी होता है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे जो लगता है। उसके साथ ही मैं क्या की हूँ, अभी ऐड की हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसमें हम लोग जो भी ड्राई मसाला है वो ऐड कर देंगे। और एक जगह में मैं क्या की थी, टमाटो को ग्राइंड कर ली थी, जो प्यूरी फॉर्म में डालने से ना बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी होता है। और अभी देखिए जो मसाला है ऑलमोस्ट कुक्ड है और उसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बॉयल्ड जो राजमा है उसको ऐड कर लेंगे, एंड इसको बॉयल करेंगे अनादर 20 to 25 मिनट्स। आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो थोड़ी जल्दी भी आप लोग निकाल सकते हैं। बट आप अगर ज़्यादा टाइम कुक कर रहे हैं उससे बहुत ही अच्छा होता है जो राजमा का करी होता है। एट द एंड मैं ऐड की हल्का सा कसूरी मेथी, एंड दैट्स इट। उसके साथ मैं बना रही हूँ रायता। और ये हो गया आज का यम्मी सा राजमा प्लेट। तभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन। मम्मा पापा का कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, अगेन 6 आवर्स का ले ओवर है, तो मैं उनके लिए लंच पैक करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ, मम्मी ऐसे बनाती थी, मम्मी का रेसिपी है ये। हम लोग जब इंडिया में ट्रेन में कहीं भी ट्रैवल करते थे, वन डे का ट्रैवल होता था, स्पेशली हम लोग के घर से दीदी की तरफ हम लोग जाते थे दिल्ली, तो मम्मा पैक करती थी पूड़ी के साथ और यू नो जो पोटैटो सब्जी कुछ भी होता है जो कि लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए ख़राब जो नहीं होता है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या की हूँ, ऑयल ली हूँ, उसमें हम लोग जीरा ऐड करेंगे और उसमें हम लोग पोटैटो जो हम लोग कट करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग ऑनियन और जो गार्लिक है कुछ नहीं डालते हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि ख़राब हो जाता है वो। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, जो ड्राई मसाला है हल्दी पाउडर और जीरा धनिया पाउडर और हल्का सा मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, एंड दैट्स इट। बहुत सिंपल सा है और ये बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। उसके साथ ही पराठा बना के मैं रख दे रही हूँ। हम लोग इवनिंग को ही बना लिए थे अराउंड 8 o'clock, और फिर मॉर्निंग को मैं क्या करूँगी, उसको रोल जैसे मैं बना लूँगी ताकि उनको खाने में दिक्कत ना हो, आराम से खा सके कहीं भी बैठ के।
अभी डिनर का टाइम, लास्ट टाइम डिनर विद माय पेरेंट्स, अच्छा नहीं लग रहा था, ख़राब लग रहा था कि मॉर्निंग को लोग चले जाएंगे, लास्ट डे है आज करके। और मम्मी को बहुत अच्छा लगता है मैक्सिकन फूड, तो आज हम लोग ऑर्डर किए हैं टैकोस, जो टैकोस फॉर लाइफ है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं डू ट्राई, उनका टैकोस बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बार हम लोग ट्राई किए फ्राइड श्रीम हार्ट टैकोस, बहुत ही यमी था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सैटरडे मॉर्निंग है और हम लोग अभी पैक कर रहे हैं मम्मा का लंच। मैं सुबह से उठ गई थी, रेडी हो गई थी, बच्चे भी रेडी हो गए, मम्मा पापा भी रेडी हो गए। वो लोग तो 4 बजे से उठ गए थे जाना है करके, मेरे पापा तो 3-4 घंटा पहले से ही रेडी होके रहते हैं, कभी भी हम लोग जाए वो जाए कोई भी जाए घर से, तो वो पहले से रेडी होके रहते हैं। तो मैं कहती हूँ रोल जैसे बना रही हूँ और उसके साथ पिकल भी साइड में मैं दे दी हूँ, तो वो लोग खा सके आराम से। एंड द सीन आप लोग देख सकते हैं, लास्ट सेल्फी ले रहे हैं आर्यांस के साथ। लकी होते हैं जो लोग, नो ग्रैंड पेरेंट्स का जो प्यार मिलता है बच्चों को, बहुत ही प्रीशियस होता है। एंड वी आर लकी यू नो कि आफ्टर मैरिज, मुझे तो बहुत ही लग रहा था कि आफ्टर मैरिज मामा के मेरे साथ 1 साल, मतलब 12 मंथ्स, इज़ नॉट ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ा चीज़ है ना, USA में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाता है। एंड अभी हम लोग निकल गए, आप लोग देख सकते हैं। मम्मा पापा का था ट्रिप यू नो शार्लट टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू दिल्ली, तो 6 आवर का ले ओवर था न्यूयॉर्क में, और एक एक ही चेक इन बैग था, और हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही भर लिए थे, 1 और 2 पाउंड का, तो वो लोग बोले कि हम लोग को निकालने के लिए, तो मैं ऐसे ही एडजस्ट कर ली। कैबिन बैग का इतना चेक नहीं करते वो लोग वेट, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग एडजस्ट कर लिए। एंड फाइनली मम्मा पापा गए और नाउ दे ऑलरेडी रीच्ड इंडिया, तो वो लोग आराम से पहुँच गए। फ्लाइट बहुत अच्छा था, खाना भी ठीक था यूनाइटेड एयरलाइंस का, और यू नो सब ठीक था, सब अच्छे से पहुंच गए। एंड दैट्स इट, वी आर बैक टू होम। अभी घर आ गए हम लोग और दोनों बच्चे ही लगे थे कि रूम खाली हो गया है। लास्ट टाइम आप लोग के साथ मैं शेयर की थी एक वीडियो कि मैं रूम रेडी कर रही थी मामा पापा आएंगे करके, एंड 1 ईयर भी हो गया और टाइम ऐसे ही चला गया। एंड नाउ आर्यांस इज 10 मंथ्स ओल्ड, और ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रहा था मामा पापा होने से, और स्पेशली यू नो घर ना अच्छा लग रहा था। नाउ बैक टू रियल लाइफ, मम्मा पापा काफ़ी दिन मेरे साथ रहे, स्पेशली मम्मा, और बहुत ज़्यादा मम्मा मुझे हेल्प करती थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग से आप लोग को देखने को मिलेगा हाउ आई एम हैंडलिंग माई किड्स एंड माई हाउस। एंड मैं आती ही क्या कि मैं सो गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था मन, एंड मैं अभी क्या की हूँ खिचड़ी बना दी हूँ, जो कि क्विकली होता है एंड अच्छा भी लगता है, बच्चे मतलब दोनों बच्चे खाएंगे, हम लोग भी खा लेंगे। आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ खिचड़ी, बट कभी कभी ना बनाना पड़ता है, तो उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ पापड़, और हम लोग के यहाँ से बड़ी होता है, मम्मा बहुत सारा लेके आई थी, तो वो मैं बना दे रही हूँ, ताकि स्पेशली दीवांश को बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो ये हो गया गर्मा गर्म सिंपल सा खिचड़ी एंड रायता एंड उसके साथ बड़ी एंड पापड़। मन नहीं कर रहा था बट फिर भी मैं आ गई हूँ मम्मा पापा का रूम क्लीन करने के लिए, उनका कुछ लॉन्ड्री है वो डाल देंगे एंड जो सीट सेट है वो चेंज कर लेंगे। हम लोग जब घर लिए थे तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि ना नीचे का जो रूम होता है उसको फुल बात कर ले, ताकि ना कोई भी आए तो हेल्प हो जाता है स्पेशली किड्स के साथ, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग का यूज़ हो गया स्पेशली दिस 1 ईयर प्रेगनेंसी में भी, और यू नो मम्मा पापा के लिए बहुत हेल्प होता है कि नीचे डाउनस्टेयर एक फुल बात है करके। लास्ट टाइम इंडिया हॉल वीडियो में आप लोग से मैं शेयर की थी
की एक स्टोर में ट्राई की थी बेड एंड बियॉन्ड करके इंडिया से, उनका जो कॉटन्स है स्पेशली जो बेड शीट है बहुत ही अच्छे रहते हैं। एंड नॉर्मल जो बेड शीट है मैं पहले से ट्राई की हूँ, बट ये फिटेड शीट है फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मैं सोची आप लोग के साथ एक छोटा सा मैं रिव्यू शेयर करूँ। ये जो मैट्रेस आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग का आइकिया का है फॉर्म मैट्रेस, उसका नाम भी मैं दे दूँगी यहाँ पे। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही होगा, एंड जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशल मैं बता दूँ ये आइकिया का मैट्रेस है। और बहुत ज़्यादा ये ना मोटा नहीं है, उसका जो इंचेस अराउंड 8 और 10 का ही, 10 का हो ही होगा। एंड बहुत ही अच्छे से आ गया, कपड़ा जो है पूरा कॉटन का है। यहाँ पे US में जो मिलता है उसका कपड़ा मुझे सही में अच्छा नहीं लगता है, एंड ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ऊपर वाला जो मेरा मास्टर बेडरूम में मैट्रेस है उसमें मैं कभी ट्राई करके भी शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा, बट आपका अगर मैट्रेस का साइज ये है तो डेफिनेटली ट्राई, आई एम 100% श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये था आज का वीडियो, रॉ डे ब्लॉग है। मैं सोची कि जस्ट मैं शेयर करूँ आप लोग के साथ कुछ। एंड मम्मा पापा पहुँच गए, बहुत अच्छा फ्लाइट था। 6 आवर का ले ओवर था, थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत टाइम है, बट समहाउ उन लोग ऐसे ही टाइम पास उन लोग का हो गया। एंड वो लोग अभी जेट लैग में हैं, टेकिंग रेस्ट प्रॉपरली वो लोग ले रहे हैं। एंड अभी हम लोग का लाइफ थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया है, यू नो ऑल अगेन द न्यू लाइफ विथ 2 किड्स। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ फिर से मिलती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ कंसिडर टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। सी यू माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।